अचंभा शब्द आपने जो कहा कि अब इस युग में ये न्यू इंडिया है, मोदी शाह का युग है, इसमें अब अचंभा करना हमें बंद कर देना चाहिए, खास तौर से ऐसी चीजों को लेकर जो कभी नहीं हुई हो और वो इस युग में हो जाए, तो अब हमें अचंभित नहीं होना है। राम रहीम की को दी गई जेड प्लस सुरक्षा भी उसी श्रेणी में है जिस श्रेणी में वे सारे लोग सुरक्षा पा गए थे जो एक दिन पहले किसी और पार्टी से बीजेपी में आए और उन्हें अगले दिन वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, जैसे मुकुल रॉय को दी गई, अभी मनिंदर जीत सिंह सिरसा दिल्ली में जो वहां की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर थे बीजेपी में आए, दूसरे दिन उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। तीसरा उदाहरण और मैं लेता हूं, कुमार विश्वास हमारे मित्र हैं, कवि हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अरविंद केजरीवाल तो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उनके घर पे आतंकवादियों की बैठक होती है। बयान देने के 48 घंटे के अंदर कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। तो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हम और आप भी कोई ऐसा बयान दे दें तो हमें भी सुरक्षा मिल जाए, तो अचरज तो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आनंद सर, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की हम जब कोशिश करते हैं तो समझ में ये आता है कि बाबा राम रहीम, मुझे तो लगता है बाबा ऐसा पवित्र शब्द है, हमारे यहाँ ग्रैंड फादर को बाबा कहते हैं, हमारे आपके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, ऐसे शब्दों को इतना कलुषित कर दिया इन लोगों ने अपने कुकर्मों से कि उस बाबा को एन चुनाव के वक्त, जबकि पंजाब में मतदान होने वाला है, लोग जानते हैं कि हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश ये सारी वो बेल्ट है जहां इस राम रहीम के अनुयायी बड़ी संख्या में है, और जब फरलो पर वो बाहर वापस आया, जेल से बाहर छूटा 21 दिन के लिए, तो डेरे की तरफ से जो डेरा सच्चा सौदा सच्चा शब्द को भी कलुषित कर दिया, हे प्रभु क्षमा करना इन लोगों को, सच्चा झूठे लोगों ने सच्चा सौदा शब्द बना रखा है। उसने उस डेरे ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की, तमाम वेबसाइट्स पर आज भी खबर मौजूद है, और अब उसे जेड प्लस सुरक्षा दे दी गई है। इसमें दो एक बात मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितने भी समाज और देश के नैतिकता के नागरिक शास्त्र के जितने अधोपतन हो सकते हैं, ये सत्ता में बैठे लोग उस सब का रिकॉर्ड प्रतिदिन तोड़ते जाते हैं। मैंने अभी एक चैनल के लिए वीडियो शो किया है, मैंने उसमें शीर्षक ये दिया है कि आजादी के बाद पहली बार देश के इतिहास में बलात्कारी हत्यारे को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। आनंद सर, सुरक्षा में कौन लोग तैनात होंगे? हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, जेड प्लस में एसपीजी और एनएसजी 10 कमांडो उसके लगते हैं, पहला उसका जो घेरा है वो एसपीजी का है और दूसरा घेरा एनएसजी का होगा, जिनके ऊपर और बाकी आईटीबीपी सीआरपीएफ ऐसे जो हमारे सुरक्षा बल हैं जिनकी जिम्मेदारी देश की महत्वपूर्ण इकाइयों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रक्षा है, देश की सीमाओं की रक्षा है और तमाम तरह के खतरों से निपटना है, वे एक अपराधी जो कि सिद्ध अपराधी है, भारत के कानून की निगाह में सजा याफ्ता अपराधी है, उसकी सुरक्षा में हाथ बांधे खड़े होंगे, उसके आगे पीछे दौड़ रहे होंगे, दो एस्कॉर्ट कारें चलेंगी उसके साथ, बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, जेड प्लस की सारी मैंने अभी कैटेगरी बता दी है कि क्या क्या उसे मिलने वाला है, 55 से लेकर 60 पुलिसकर्मी वर्दीधारी उसके आगे पीछे घूमेंगे राउंड द क्लॉक। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए कि समाज में बलात्कार और हत्या, और हमें इसलिए भी हमारा अफसोस हमारा दुख मल्टीप्लाई हो जाता है आनंद सर, कि एक पत्रकार की हत्या में उसे सजा हुई है, रामचंद्र छत्रपति की हत्या में, तो ये इस समाज के ऊपर भी सवालिया निशान है कि जब सत्ता इतनी बेशर्म हो जाए तब समाज की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। और इस सत्ता के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, कातिलों के साथ जो हमदर्दियां करते रहे, और कातिलों के साथ इनकी हमदर्दियां जग जाहिर है सबकी निगाह में। बात को आधे मिनट में खत्म कर दूं, उसकी सबसे बड़ी पात्रता राम रहीम बनने की जरूरत नहीं, बीजेपी ज्वाइन कर लें और आनंद वर्धन सिंह और डॉक्टर राकेश पाठक जैसे लोग तो जो दिन रात उनके उनकी रीति नीति की आलोचना करते हैं, तो हम लोग तो बीजेपी जिस दिन ज्वाइन करेंगे 24 घंटे में जेड प्लस मिल जाएगी, लेकिन कम से कम इस मनुष्य जन्म में तो उस विचारधारा के साथ हम और आप नहीं जाएंगे। एक नागरिक के तौर पर बात कर रहा हूं, पत्रकार के रूप में तो हम सबकी आलोचना करते हैं, कांग्रेस की सरकारों की भी की है। अब जो आप मायावती वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे भी बार बार ऐसा लग रहा है आनंद सर, और हम और आप सब लोग तमाम चैनलों पर बैठकर जब विमर्श करते हैं तो अदेखा अनदेखा सा रह जाता है बहुजन समाज पार्टी वाला हिस्सा,
यह संभव नहीं है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इतनी इररिलेवेंट हो गई हो कि हम लोग डिबेट में भी उसकी चर्चा न करें। तो सबसे पहली बात तो आपने उनका जिक्र किया और महत्वपूर्ण तरीके से किया। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब जातियों की जो मोर्चेबंदी है, जब धर्म की राजनीति नहीं चल पा रही उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने लाख कोशिश कर ली, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, कर्नाटक की हवा भी गर्म गर्म हवा नहीं पहुंच पाई लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बनारस, कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, मुझे नहीं लग रहा कि कम से कम वहां पहुंची है हिंदू मुसलमान वाली। तो जो अंतिम मोर्चा बचता है वो जातियों के ध्रुवीकरण का बचता है, और उसमें आज भी बहुजन समाज पार्टी को हम लोग इस तरह खारिज नहीं कर सकते कि उसके प्रभाव के जो क्षेत्र हैं, आप जो कह रहे हैं चौथे चरण में और अगले, और अभी तो 3 चरण और बाकी हैं, 7 चरणों में चुनाव है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने परंपरागत वोट तो हासिल करेगी ही। मेरा अनुमान भी यह है कि हो सकता है कांग्रेस उतना चौंकाने वाला काम न करे जितना बहुजन समाज पार्टी कर जाएगी। उसकी एक वजह और भी है, हिंदुत्व के उभार के साथ जो अभी इन 7 सालों में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के युग में जो जो कोर हिंदुत्व वाले वोटर हैं और उसका जो मानस है, उनकी वजह से जो दलित वोटर है, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा छिटक गया है। क्योंकि आज भी देहातों में, कस्बों में, गांव में दलित घोड़ी पर चढ़ के जाने को अनुमति नहीं देते हैं सवर्ण उच्च में। अभी मध्य प्रदेश में घटना हुई है, 7 दिन पहले कलेक्टर एसपी को जाना पड़ा घोड़े पर बिठाकर, उसकी बारात कलेक्टर एसपी ने निकलवाई साथ चलते हुए। ये घटनाएं सब जगह होती हैं। तो जो दलित है वो भीतर से धीरे धीरे इनके समग्र हिंदुत्व में से खुद को थोड़ा कोने में पाता है और उसे अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है सिर्फ वोट डालते समय। मायावती अंदर खाने या घोषित रूप से भी वे कह चुकी हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे। सरकार बनाने की स्थिति में तो तभी आ पाएंगी जब उनका वोटर इतनी सीटें उन्हें दे दे कि वे नेगोशिएशन कर सकें या उनकी जरूरत बीजेपी को लगे। तो मुझे अभी बार बार ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, और ये सिर्फ उनके अपने जातिगत बिसात के आधार पर होगा, ऐसा मेरा भी प्रारंभिक आकलन है। आनंद जी, मैं क्रमशः दोनों मुद्दों पे आते हैं। पहली बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो भाषा है उसमें जो गिरावट लगातार दिख रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मैदान में जो शिकस्त होती दिख रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैंने एक बार भी कभी नहीं कहा इसलिए पिछले पूरे चुनाव अभियान में, कि सचमुच में शिकस्त हो रही है बीजेपी की, लेकिन जो सूचनाएं उनमें उन तक पहुंच रही होंगी उससे भी हताश और विचलित हैं। उनकी भाषा के स्तर पर तो सचमुच में देश को भी सोचना चाहिए कि देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री, बंगाल चुनाव से, पश्चिम बंगाल के चुनाव से लेके अब तक एक सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं, वे कहाँ रसातल में जाकर रुकेंगे हम नहीं जानते। ये सचमुच एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में चिंता का विषय होना चाहिए कि उसका मुखिया, देश का मुखिया, कमेंट मारा बॉय, टेलीग्राफ की हेडिंग को ही मैं उठा रहा हूं, उसकी भूमिका में दिखाई देता है। अभी अब मैं आता हूं उस बात पर जो आजमगढ़ की तस्वीर दिखाई जा रही है, या उसी बहाने माननीय प्रधानमंत्री ने साइकिल को आतंकवादी ठहरा दिया था। उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे तो हैरानी है आतंकवादियों ने साइकिल क्यों चुनी। उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि इस देश में पिछले 40 सालों में जो भी आतंकवाद पनपा है, हमारे जनजीवन से संबंधित ऐसी कौन सी चीज है जिसमें विस्फोटक नहीं लगाए गए हैं। प्रेशर कुकर तो घर में, कुकर में खाना बनाना बंद कर दें, कुकर में विस्फोट हुए हैं, टिफिन में विस्फोटक लगाए गए हैं, कार में, बस में, ट्रांजिस्टर में, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो जो साधन उपयोग में, सेहत के लिए साइकिल चलाते हैं सुबह और शाम, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी पर आरोप मढ़ने के लिए उसके चुनाव चिन्ह पर आरोप लगा दें, तो साइकिल अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव चिन्ह नहीं है एक पार्टी का, जम्मू कश्मीर में एक पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है, दक्षिण में एक राजनीतिक दल है उसका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है, दक्षिण में एक पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है, निर्दलियों के चुनाव चिन्ह पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो क्या ये सब चुनाव चिन्ह जिनके हैं वे सब अपराधी हैं, आतंकवादी हैं? और अगर अनुराग ठाकुर वो तस्वीर दिखा रहे हैं आतंकवादी के पिता की, नंबर एक, वो फैसला अदालत का है, होना ही चाहिए था। इस देश में आतंकवाद की घटना करने वालों को फांसी ही मिलना चाहिए न्यायसंगत तरीके से। वो निर्णय कोई अनुराग ठाकुर की पार्टी ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की परिणति है आतंकवादियों को फांसी। तस्वीर की जहां तक बात है आनंद जी,
अगर कंधार के अपहरणकर्ताओं के साथ तस्वीरें दिखा दी जाए अनुराग ठाकुर को कि कौन कौन जसवंत सिंह गए थे छोड़ने, वो काले काले सूटकेसों में क्या भरा हुआ था, नोट भरे थे, जिन्ना की मजार पर सिर नवा कर आते हैं आडवाणी जी, प्रधानमंत्री आप बिरयानी पूछ रहे थे कि वेज है, तो शायद वेज बिरयानी खाई होगी उन्होंने पाकिस्तान में, नवाज शरीफ ने बनवा दी होगी हाल की हाल। तो आतंकवादियों से रिश्तों को लेकर जब ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो खुद के गिरेबान में क्यों नहीं झांकते। देश के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार पठानकोट हमले की जांच में आईएसआई का एजेंट शामिल है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको बाकायदा आने के लिए वीसा दिया, वो पठानकोट में घूम कर गया, वो भी बिरयानी खाकर गया होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिस आईएसआई के नाम पर हम दशकों से रो रहे हैं कि हमारे देश के भीतर आतंकवाद फैला रही है आईएसआई, उसका एजेंट पठानकोट हमले की जांच की टीम में शामिल होकर आता है पाकिस्तान से और कोई सवाल नहीं पूछता। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव हिजबुल मुजाहिदीन इंडियन मुजाहिदीन जैश ए मोहम्मद किसी भी ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ उनका उनकी कोई साझेदारी है, उनकी लिप्तता है, तो उन्हें तिहाड़ जेल में होना चाहिए। और उन्हें तिहाड़ जेल भेजने का काम कौन करेगा? अनुराग ठाकुर की पार्टी को करना है, उनकी सरकार को करना है, केंद्रीय गृह मंत्री को करना है, प्रधानमंत्री को करना है। तो क्या 10 मार्च के बाद ये सारे बयान बलाए ताक रख दिए जाएंगे? शर्म आती है कि चुनाव के समय देश का प्रधानमंत्री, 10 साल रहे प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान के साथ साठगांठ का आरोप लगाता है और 10 दिन बाद संसद में उसकी ओर से अरुण जेटली, अब जो स्मृति शेष है, वे माफी मांगते हैं, लेकिन शर्म इनको फिर भी नहीं आती। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है कि वो जो आजमगढ़ की तस्वीर एक व्यक्ति की दिखाई जा रही है, अगर उस आतंकवादी का पिता भी आतंकवादी है उसे भी जेल में होना चाहिए, इसमें कौन सा संदेह है? लेकिन मंशा हिंदू मुसलमान करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और वे बहुत डेस्परेट हैं, हताश हैं, बेचैन हैं कि वे हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए अब तक 4 चरणों के चुनाव में। मुझे अब भी यह आशंका है कि अगले 3 चरण और बचे हैं, पता नहीं ये लोग क्या कर बैठे।